हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेबी रॉक सीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा बास्केटबॉल लीग का, स्पेनिश लीग, BGS वर्सेस ANR के बीच 1 घंटे 23 मिनट बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैच होने वाला है 7 बजे, इसकी लाइनअप्स का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रीम इलेवन पे तो वैसे किसी की भी लाइनअप्स नहीं आती बास्केटबॉल मैच की, लेकिन स्पेनिश लीग की भाई हमें भी बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि या तो इनकी लाइनअप्स आएगी नहीं या तो बिल्कुल ही एंड की मिनट्स में आती है। बहुत कभी कभी होता है जो इनकी लाइनअप्स पहले आ जाए 5-10 मिनट पहले, क्योंकि स्पेनिश लीग ऑलवेज रिस्की लीग है। तो मैं आपको ये बोलूँगा इसमें आप लेस इन्वेस्ट करना, और मैं आपको बता दूं आपको फाइनल टीम कहां मिलेगी। ये रहा मेरा एबी रॉक ड्रीम इलेवन टीम्स के नाम से चैनल टेलीग्राम पर, और अगर आप यहां अगर आप जीतना चाहते हैं भाइयों ये ज्वाइन कर लो, आप ऐसे जीतोगे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं अभी अभी प्रीवियस मैचेस के ही हैं। तो चलिए अब बिना बातचीत के आगे बढ़ते हैं। BGS वर्सेज ANR। तो मैं आपको बता दूं ये जो कॉन्टेस्ट आप खेलें इसमें आप हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर वाली लीग खेल सकते हैं। तो चलिए आपको टीम दिखाते हैं। टीम दिखाने से पहले बोलना चाहूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई ये बात कर लेते हैं हम यहाँ से पॉइंट गार्ड की। तो पॉइंट गार्ड से मिलने वाले एफ बेजस को, जो कि BGS का टॉप का पॉइंट गार्ड है, जो कि हर मैच में इसने बंदे ने मिनिमम 20 पॉइंट आपको देने ही देने हैं, वो भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 25-30 पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। नीचे से बात करें ANR का टॉप प्लेयर सीहाना, जो कि मैं आपको बता दूं हर मैच में बहुत ही अच्छी पिक है SP के लिए, आप इसको कैप्टन ट्राई हर मैच में कर सकते हैं अगर हेड टू हेड खेले तो, लेकिन ग्रैंड लीग में अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करा करो, और इसे आपको हर मैच में 25-30 पॉइंट देने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। बात करें शूटिंग गार्ड से, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ भाई F Massanet को। तो F Massanet मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस मैच में हाँ इसकी सिलेक्शन थी बहुत कम, बिकॉज RM टीम ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी ओपोनेंट की, तो जो इनके फाइट हो रही, मतलब फाइट ही है एक तरह जो प्ले हो रहा था, RM बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो उस कारण इसकी सिलेक्शन पे बहुत कम हो गया था, लेकिन तब भी ये बंदा 26 पॉइंट मार गया, क्योंकि ये बंदा बड़ा खतरनाक खेलता है। बात करते हैं स्मॉल फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लूँगा P Aguilar को। तो P Aguilar BGS का टॉप प्लेयर है, जो कि 25-30 पॉइंट यूँ देता है, लेकिन मैं बताऊँ इसके ऊपर फ़र्क आता है प्लेइंग टाइम के ऊपर, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं, तो मतलब 15-20 पॉइंट तो आपको देगा ही। वहाँ से बात करें V Benite भी एक नॉर्मल सा प्लेयर है, जो कि इसके ऊपर भी प्लेइंग टाइम निर्भर करता है, जो कि आपको ये हर मैच में ज़्यादा तो नहीं 15-20 पॉइंट ही दे पाएगा, क्योंकि थोड़े रिस्की प्लेयर्स हो जाते हैं। यहाँ के ANR का एक और प्लेयर है, देखते हैं डी रॉविक, जो कि मैं आपको बता दूँ प्रीवियस मैच में लाइनअप्स में नहीं था, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई करें, और मैं आपको बताऊँ अगर लाइनअप्स में अगर आज हुआ, क्योंकि अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि पहले अपडेट आ जाती है कौन होगा, लेकिन डी ये जो प्लेयर देख रहे हो आप, इसको आप ट्राई करके देखो एक बार, SP ट्राई करके देखो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आज अच्छा करने वाला है, क्योंकि डी टोडो पे बहुत उम्मीदें हैं। बात करें पावर फॉरवर्ड की, तो बीस आए मेरे साथ शुरू में रहा है, शुरू से जब भी ये देखो 1 मार्च से मैच स्टार्ट हुए थे, मार्च के बाद 2 महीने इनका स्टॉप आया था, तो 18 जून के बाद ये हर आपको मेरी टीम में देखेगा, क्योंकि बीस आए एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, जो कि बंदा बढ़िया है 20-25 पॉइंट देता ही देता है भाइयों, अनएक्सपेक्टेड प्लेइंग नहीं है इस प्लेयर की, नॉर्मल है। बात करें सेंटर की, तो ए लीमा BGS का एक नॉर्मल प्लेयर है, जो कि आपको ज़्यादा नहीं नॉर्मल पॉइंट ही दे पाएगा। नीचे से बात करें यहाँ से लेंगे B Olumuvia को, जो कि ANR का नॉर्मल सा प्लेयर है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन मैच ना हल्का फुल्का रिस्की है, ज़्यादा नहीं। और बात करें SP की, तो सीहाना ही रहेगा, बाकी अगर आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया कोई भी ट्राई करना हो आप करके देख सकते हैं, ग्रैंड लीग में एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया जो कि आप उसको लेके ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं भाई इधर से टीम की, तो ये एक तरह समझ लो रफ टीम है, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये नहीं मेरी टीम आज, मेरी वन साइडेड नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से टीम स्ट्रॉन्ग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के तलब के लिए। बाय फ्रेंड्स, आपका दिन।